بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ديني بھائیو हम पर अल्लाह सुबहान व तआला का नहायत करम और एहसान है कि अल्लाह सुबहान व तआला ने हमें दीन की कुछ बातें कहने और सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा फरमाया है। आज मुहर्रमुल हराम की 8वीं तारीख है और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक सेंटर मुबर्रज की जानिब से मुहर्रमुल हराम और उसके गैर शरई आमाल के ताल्लुक से इस्लामिक सेंटर मुबर्रज ये प्रोग्राम पेश कर रहा है, जिसके खतीब जाने पहचाने आपके फजीलतुल शेख हाफिज मोहम्मद नसीम साहब मोहम्मदी हाफिज़ुल्लाह खिताब फरमाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारे दिलों में हमारे जहनों में जो इस ताल्लुक़ से इश्काल हैं उसका इजाला होगा। शेख से गुजारिश है कि अपने मौजू का आगाज़ करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, काबिल क़द्र हमारी दीनी माओं और बहनों, आज इस्लामिक सेंटर मुबर्रस की तरफ से मुनाकिदा प्रोग्राम जो हर अरबी महीने के दूसरे हफ्ते में मुनाकिद होता है, आज के प्रोग्राम का उन्वान है मुहर्रम और मुसलमानों के यहाँ पाए जाने वाले गैर शरई आमाल। सबसे पहले तो अपने मालिक हकीकी अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना, उसकी बड़ाई और बुजुर्गी बयान करना
ज़रूरी समझते हैं, इसलिए कि उसी की तौफीक से आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अगर उसकी तौफीक शामिल हाल ना हो तो कोई भी काम अंजाम नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबसे पहले अपने रब का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے بھائیو जिस दीन के हम मानने वाले हैं, जिस दीन पर हम अमल पैरा हैं और जिस दीन को हमने कबूल किया है और उसको उसकी निस्बत से हम फ़ख्र करते हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हर मुसलमान को अपने दीन से निस्बत की खुशी होती है और वो ये समझता है कि दुनिया में पाए जाने वाले तमाम अदियान में सबसे आला, सबसे अफजल और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के यहाँ काबिल कबूल जो दीन है वो दीन जिस पर हम चलने वाले हैं और वो दीन इस्लाम है। मेरे भाइयों, हमारा और तमाम मुसलमानों का, अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि ये दीन, जिस दीन पर हम चलने वाले हैं, इसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया मबूस फरमाया, भेजा और हमें इस दीन की तालीम दी और जिस के ज़रिया से इस दीन को हम तक मबूज़ फरमाया उन्हीं की ज़िंदगी में इस दीन को तकमील तक पाए, तकमील तक पहुंचा दिया और इस पर ख़ुद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا कि ऐ लोगो, आज हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي और अपनी नेमत पूरी कर दी, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا और मैं तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के नाते पसंद फरमाया। मालूम क्या हुआ, इसमें तीन बातें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया है और इसको मैं इसलिए बयान करता हूँ ताकि बाद में आने वाली बात आसानी से हम समझ सकें। पहली चीज़ कि दीन मुकम्मल है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, अल्यौम अकमलतु से मालूम क्या हुआ कि हमारा दीन मुकम्मल हो चुका है। और ये आयत करीमा आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही पूरा कुरान उतरा है और आपके ज़िंदगी में ही अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया। अब मालूम क्या हुआ कि अब दीन में हम इजाफा नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ मुकम्मल हो जाए उसमें आप फिर क्या चीज़ इजाफा कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह गिलास है, अब इस गिलास में अगर कोई ख़ाली जगह है तब तो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर ख़ाली जगह नहीं है
ऊपर से कोई दूसरा पानी डालेंगे तो नीचे वाला जो सही पानी है ये उस आपको निकालना पड़ेगा, या जब उसको डालेंगे तो वापस आ जाएगा। ये यही मिसाल है कि दीन मुकम्मल है। और दूसरी बात क्या है, व अतममतु अलैकुम निअमती, अल्लाह ने फरमाया और हमने अपनी नेमत भी पूरी कर दी। नेमत से मुराद क्या है कि अब अल्लाह की नेमत अब इसी के दरमियान है, जो दीन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुकम्मल कर दिया, तो उसी तकमील के अंदर अल्लाह की नेमत है। अब अगर वो अमल आप करें जो अल्लाह के नबी के दौर में नहीं था दीन समझ करके, तो उस दीन पर अल्लाह की नेमत नहीं उतर सकती है, अल्लाह की रहमत नहीं मिलेगी, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी नहीं मिलेगी। और इसकी बात अल्लाह तबारक तआला ने दूसरे तीसरे जुज में वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं इसी इस्लाम जो अब मुकम्मल हो गया है बस इसी पर मैं खुश हो गया, इसी पर भी मैं खुश होऊंगा। अब यही आमाल जो करोगे ये हमारे लिए बायस मसर्रत होंगे, मैं इससे तुमसे राज़ी होऊंगा इसके ज़रिए से। अब अगर ये अमल आप ना करें और दूसरे आमाल करें और ये समझें कि अल्लाह हमसे राज़ी होगा, कतान हरगिज़ नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह कभी भी नहीं राज़ी हो सकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तीनों बातें फरमाईं, एक तो इस्लाम मुकम्मल, नेमत भी मुकम्मल और इसी पर मैं खुश भी हूँ, समझ रहे हैं। अब इसके अलावा और किसी चीज़ों पर ना अल्लाह की नेमत ना उसकी रहमतें बरसेंगी और ना ही अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर खुश होगा, ये बात अपने जहन में रखें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दीन मुकम्मल हो चुका है तो अब किसी इंसान के लिए ये रवा नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई आमाल ईजाद करे और उसको बायसे सवाब समझे। बायसे सवाब वही आमाल हैं जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में थे और सहाबे कराम ने जिसको अपनाया और जिसको करके उन्होंने भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल से वो खिताब हासिल कर लिया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और ये अल्लाह से राज़ी हो गए। मेरे भाइयों, आइए हम इस तमहीद के बाद थोड़ा सा मुहर्रम के बारे में देख लेते हैं कि मुहर्रम के माने होते हैं हुरमत। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन इद्दत अश्शुहूर इंद अल्लाह 12 शहरन फी किताबिल्लाह, अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की जो गिनती है वो 12 है जो अल्लाह ने अपनी किताब में ज़िक्र किया है, अल्लाह की किताब में। मिन्हा अरबातुन हुरुम यौम खलक अस्समावाति वल अर्द, उसी दिन से जिस दिन से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को बनाया है। मिन्हा अरबातुन हुरुम, उनमें से 4 महीने क्या हैं, हुरमत वाले हैं मेरे भाई, 4 महीने हुरमत वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप फरमाते हैं कि महीना अपने हैयत पर चल रहा है, गर्दिश कर रहा है और जब से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया है उनमें से 4 महीने हुरमत वाले हैं, 3 मुसलसल हैं और 1 रजब है। 3 मुसलसल आपने ज़िक्र किया उसमें कि ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और उसके बाद रजब, ये 4 महीने हैं जो अल्लाह के यहाँ बायसे एहतराम हैं। मेरे भाइयों, हुरमत का मतलब ये होता है कि इस महीने में कोई भी आप अमल करें, नेक अमल करेंगे तो इसका सवाब आम महीनों से ज़्यादा होता है, और कोई गलत काम, कोई बुराई, कोई गुनाह करेंगे तो आम महीनों से इसका गुनाह ज़्यादा होता है, अल्लाह तबारक ताला ज़्यादा नाराज़ होता है, तो इसलिए हमें इसका एहतराम करना चाहिए। मुहर्रम की तारीख़ी हैसियत मेरे भाइयों, मुहर्रमुल हराम के हमारे दीन में इसकी क्या हैसियत है, इसलिए इसको हम गौर से सुने। तारीख़ी हैसियत के सिलसिले में आप जानते हैं कि मुहर्रम
इस्लामी साल का पहला महीना है, इस्लामी साल का पहला महीना इसको करार दिया गया है। और इस महीने में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हवाले से ये पता चलता है कि इस महीने में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बातिल को शिकस्त और हक को फतह दी है। ये बातिल और ये हक से मुराद फिरौन और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जिसका तज़किरा अहादीस में साफ मौजूद है, सही अहादीस हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूद से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि आज के दिन बहुत बड़ा दिन है और इस दिन में अल्लाह ने मूसा और उनकी कौम को फिरौन से नजात दिया था और फिरौन और उसकी कौम को गर्क कर दिया था। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि फिरौन का जुल्म बनी इसराइल पर कितना बड़ा जुल्म था। कुरान करीम क्या फरमाता है कि फसाद बरपा कर दिया था और बनी इसराइल के तमाम पैदा होने वाले नौमौलूद बच्चों को कत्ल कर दिया करता था, इतना जाबिर व जालिम। बल्कि इसी जालिम ने क्या कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। मेरे भाइयों, इसने रुबूबियत का भी इनकार कर दिया था और क्या कहा था कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ। आप जानते हैं कि रुबूबियत का इनकार बहुत ही कम लोगों ने किया है, कुफ्फारे कुरैश ने भी रुबूबियत का इनकार नहीं किया है। और आप देखिए कि हमारे माशरे में पाए जाने वाले गैर मुस्लिमीन से भी पूछें तो वो भी कहते हैं कि सब कुछ करने वाला ऊपर वाला है, सब कुछ करने वाला ऊपर वाला है, ऊपर वाले की कृपा है। मालूम क्या हुआ कि रुबूबियत पर ईमान रखते हैं। तो रुबूबियत का इनकार किसने किया था, फिरौन ने किया था, अपने आप को कहा था आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बुलंद रब हूं। तो इसकी गुरूर को, इसके तकब्बुर को और इसके अना को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसी महीने के 10वीं तारीख को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसके अना को ख़त्म किया था, बर्बाद किया था और इसको इस तरीके से गर्क किया कि दुनिया वालों के लिए बायस इबरत हो गया। फरमाया फलयौमा नुनज्जीक बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, कि आज मैं तेरे बदन को मैं नजात दूंगा, लितकून लिमन खल्फका आया, ताकि तू अपने बाद में आने वाले हर जाबिरों के लिए, हर जालिमों के लिए, हर मुतकब्बिरीन के लिए तू इबरत बने, ताकि तुझको देख करके लोग इबरत पकड़ें कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता है। अल्लाह का पकड़ जब आएगा, कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो उसके पास, लेकिन अल्लाह की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। मेरे भाइयों, ये अकीदा, ये ईमान हर अहले ईमान का होना चाहिए, हर मुसलमान का होना चाहिए। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसी दिन अपने नबी जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फतेह नसीब फरमाई, कामयाबी अता फरमाई, और उस कामयाबी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह की हमदो सना बयान की। और शुक्रिये में अल्लाह का सबसे पसंदीदा जो इबादत है, जो रोज़ा है, उसको रखा। अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा इबादत जो है क्या है, रोज़ा है। तो रोज़ा रख करके अल्लाह का शुक्रिया अदा किया अपनी नजात पर। दूसरी तारीखी हैसियत इस महीने की, ये महीना हमें वो वाकया भी याद दिलाता है जो तारीख का सबसे अहम वाकया है, जिस वाकये को तमाम सहाबे किराम की इजमा से इस्लामी साल का नाम रखा गया, हिजरी हिजरत, हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाकया भी हमें इस महीने में याद दिला, इसीलिए सहाबे किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने हिजरत से इस्लामी
कैलेंडर को, इस्लामी तारीख को मंसूब किया ताकि हर मोमिन, हर मर्द मुजाहिद कभी इस वाक़े को ना भूले और उसके दिल में ये तड़प हो और ये शौक़ और वलवला हो कि हक की सदाकत के लिए, हक के इह्या के लिए, तौहीद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है, अपना घर छोड़ सकता है, अपना वतन छोड़ सकता है, अपने अहलो अयाल को खैरबांद कह सकता है, लेकिन दीन को, तौहीद को, अकीदे को, जिसको वो मानता है, उसको कभी छोड़ नहीं सकता है। मेरे भाइयों, ये हर अहल ईमान को ये वाक़या मुहर्रम ये याद दिलाता है, वो अजीम वाक़या मेरे भाइयों कि तौहीद के राह में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक दावत देते रहे, लोगों को समझाते रहे, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो। लेकिन लोगों ने इसके बदले में क्या आपको सिला दिया, आपको मुसीबत, आपको तरह तरह से अजाब से दोचार किया, आप पर जुल्म उठाए, ये जुल्म अहले यसरिब को बर्दाश्त ना हुई और मदीना वाले तड़पते थे कि हमारे नबी को, क्यों, इसलिए कि इस्लाम का नूर मदीना में पहुंच चुका था, वहाँ पर जितने भी मुसलमान, चंद मुसलमान भी थे, लेकिन उनको ये गवारा नहीं था कि हमारे नबी पर ज़रा भी ज़र्ब आए। वो ये समझते थे कि अपने नबी को हम अपने चमनस्तान बुला लें, अपने यहाँ बुला लें और उनको अपनी आँखों से, अपने दुआओं से, अपनी तमन्नाओं से, अपने खून से उस चमन को सैराब करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करें, आपकी हिफाजत करें, आपका साथ दें। मेरे भाइयों, और तारीख के सुनहरे औराक में ये बयात अकबा उला और सानिया बहुत मारूफ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लोग, इन लोगों से बर्दाश्त ना हुआ, कुफार का जुल्म सितम सुनते थे और अंदर ही कुढ़ते थे, यहाँ तक कि जब हद ना हुई, तड़पने की इंतहा हो गई, तो गए बारगाह रिसालत में, अपनी ख्वाहिश रखी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने यहाँ आने की दावत दी और कहा, अल्लाह के नबी आप हमारे यहाँ चलें, हमारे यहाँ तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ पर हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपका साथ देंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अहदो पैमान लिया और उनसे बैत ली। वो मेरे भाइयों, वो बैत, बैत अकबा उला और सानिया हर अहल ईमान को याद रखना चाहिए इसी मुहर्रम के हवाले से, क्यों, इसलिए कि इसी पस मंज़र में हिजरत पेश आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते तो कहाँ जाते, कुफार आपके घर पहुँच गए, नंगी तलवार लेकर के मौजूद हैं, आपको अब घर में चैन नहीं है, चलो मदीना व मक्का की गलियों में चैन नहीं था, हरम में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते थे, वहाँ आपको तकलीफ़ दे रहे थे, लेकिन घर पहुंच गए जालिम लोग आपको कत्ल करने के लिए नऊज़ु बिल्लाह, तो अब कहाँ चारा रहा, कहाँ जाएं, जाएं तो कहाँ जाएं। आपको यही बैत याद आई कि चलें वहीं पे जहाँ हमारे जानिसार सहाबी मौजूद हैं, जहाँ हमारी हिफाजत पर हमारे लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों, ये मुहर्रम हमें ये वाक़या याद दिलाता है कि हम हिजरत के वाक़े को ना भूलें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते थे कि अपना आबाई वतन छोड़ करके मदीना चले जाएं? नहीं नहीं मेरे भाइयों, आपको निकलने पर मजबूर किया गया था और जब आप मदीना तशरीफ़ लाए तो इन लोगों ने आपके साथ क्या सलूक किया? मेरे भाइयों, वो अहद वफा का पैगाम पेश किया कि तारीख उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है, आपको तारीख में वो मिसाल नहीं मिलेगी जो मिसाल इन अंसार मदीना ने, अहले यसरिब ने, जिनको बाद में नबी को इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई मेरे भाइयों कि कभी भी अपने अंसार को छोड़ा नहीं और उनको कहा कि इनसे मोहब्बत जुज़्वे ईमान है,
ان سے محبت جزو ایمان ہے، کیونکہ ایسے وقت میں اپنے نبی کا ساتھ دیا کہ جب گھر میں بھی آپ کا رہنا دوبھر ہو گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم تاریخی واقعے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقصود نہیں تھا کہ مدینہ جائیں، مدینہ والے ہمیں سردار بنائیں گے، مدینہ والے ہمیں بادشاہ بنائیں گے، یہ لالچ نہیں تھی میرے بھائیو، صرف اس وجہ سے تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو، توحید کا بول بالا ہو، اسلامی سلطنت بنے، اسلام پھولے پھلے، اللہ کی عبادت ہو، لوگ اپنے بندوں کو اپنے رب کی عبادت کریں، بندے اپنے معبود کو پہچانیں، یہ مقصد تھا اور یہی ہدف تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ تشریف لانے کا۔ اور جب آپ مدینہ آئے تو میرے بھائیو، سب سے پہلی اسلامی سلطنت کہاں قائم ہوئی؟ مدینہ میں ہی قائم ہوئی۔ اسی وجہ سے تمام صحابہ کرام نے اجماع کے ساتھ اسی واقعے کو، ہجرت کے واقعے کو اسلامی تاریخ سے منسوب کر دیا اور ہجری سال کہا جانے لگا۔ لوگوں کے اور بہت سے لوگوں کے رائے تھیں، کسی نے کہا تھا کہ بعثت جب آپ کی ہوئی ہے، نبوت نبی جب بنائے گئے ہیں، اس واقعے سے اسلامی تاریخ کو منسوب کیا جائے، کسی نے کہا تھا کہ آپ کی ولادت سے منسوب کیا جائے، کسی نے کہا تھا کہ آپ کے وفات سے اس کو منسوب کیا جائے، لیکن تمام ائمہ کرام کے اجماع سے، یہ صحابہ کرام کے اجماع سے اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہجرت کے واقعے کو اسلامی تاریخ سے منسوب کیا جائے۔ تو یہ تو محرم کی تاریخی حیثیت ہے کہ ہر شخص کو ان دونوں تاریخ، دونوں واقعات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ موسیٰ اور فرعون کا حق، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات دی تھی، کیوں نجات دی تھی؟ کہ وہ حق پر تھے، اور فرعون کو غرق کیا تھا، اس کو تباہ و برباد کیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کس پر تھا؟ باطل پر تھا۔ یہ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ، تاریخی واقعہ ہجرت ہے میرے بھائیو، اور اس کو کبھی نہیں ہمیں فراموش کرنا چاہیے۔ آئیے ہم اس مہینے کی شرعی حیثیت دیکھتے ہیں، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ شریعت میں نے جس طرح سے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ حرمت والے مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ پر جب رمضان کا مہینہ فرض ہوا تو آپ نے اس کو سنت روزہ بنا دیا، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے اختیار دے دیا، جس کی مرضی ہو روزہ رکھے، جس کی مرضی ہو روزہ نہ رکھے، لیکن اس کی مشروعیت باقی رہی اور اس کی فضیلت بھی باقی رہی، اس لیے کہ دوسری روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، یعنی محرم کے مہینے میں اگر کوئی رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والا کوئی روزہ ہے تو وہ عاشورہ کا روزہ ہے جو محرم میں ہے، محرم کا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ اہتمام کرتے تھے روزے کا بنسبت اور مہینوں کے، رمضان کے بعد، رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر اہتمام کرتے تھے تو اسی مہینے میں آپ اہتمام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود لوگ
आशूरा का रोज़ा रखते हैं। आपने उनसे कहा कि तुम लोग क्यों इसका रोज़ा रखते हो? उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये दिन बहुत बड़ा दिन है, हमें इसी दिन में अल्लाह ने हमारे नबी मूसा को फतह दी थी और फिरौन को शिकस्त अता फरमाई थी, शिकस्त दी थी। तो हमारे नबी ने शुक्राने के तौर पर इस महीने इस दिन का रोज़ा रखा था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमसे ज़्यादा मुस्तहिक हूँ कि मूसा की सुन्नत पर हम अमल करें। और आपने ख़ुद रखा और तमाम सहाबे किराम को आपने इस महीने के रोज़े को, इस दिन के रोज़े को रखने का हुक्म दिया। इसी तरीके से हज़रत रबी बिन मुअव्वज़ फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े का, आशूरा के रोज़े का रखने का हमें हुक्म दिया, और हम इस रोज़े का इतना एहतमाम करते थे कि अपने बच्चों को भी रोज़ा रखवाते थे। यहाँ तक कि जब बच्चों को भूख लगती थी और वो खाना मांगने लगते थे तो हम उन्हें रुईयों के गुड़िया वगैरह, खिलौने वगैरह उनको पकड़ा देते थे और वो उसी में मशगूल होते थे यहाँ तक कि मगरिब के इफ्तार का वक्त हो जाता था। मेरे भाइयों, इसी तरीके से जितनी भी अहादीस हैं जो इस महीने के शरई हैसियत पर जो दलाल करती हैं, सिर्फ और सिर्फ ये मालूम होता है कि इस महीने में अगर हम कोई अमल कर सकते हैं, अगर हमें इजाज़त है, तो सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ा रखने का। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई और आमाल साबित नहीं है कि जो हम इस महीने में कर सकते हैं। रोज़ा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने रखा, और आपको जब यह पता चला, सहाबे किराम ने फरमाया कि ये यहूदी लोग इस महीने की ताज़ीम भी करते हैं, इस महीने को बहुत बड़ा ईद, अपना ईद मनाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हम आइंदा साल जिंदा रहे तो 9 और 10 का रोज़ा रखेंगे, 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे और इनकी मुखालिफत करेंगे। और आपने फरमाया इस दिन सिर्फ रोज़ा रखने के लिए, ईद मनाने के लिए नहीं कि हम उस दिन खुशियाँ मनाएं, ये भी नहीं, गम भी ना करें ना खुशियाँ मनाएं। किसी चीज़ का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, क्योंकि यहूदी लोग इस दिन को अपने ईद का दिन मानते हैं, इसलिए हमें उसको अकीदा नहीं रखना चाहिए कि यह हमारे ईद का दिन है। नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके हमें सिर्फ इस दिन रोज़ा रखना चाहिए। हम चाहे 9 तारीख का रोज़ा रखें, 9 और 10, या 10 और 11, या 9, 10, 11, ये 3 हैं। या तो आप 9 और 10 का रोज़ा रखें, या 10 और 11 का रोज़ा रखें, या 9, 10, 11 तीनों रोज़ा रखें। तमाम तरीक़े, तीनों तरीक़े सही हैं। मेरे भाइयों, ये वो आमाल हैं जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। उसके अलावा आप ये देखिए कि इस महीने में 2 तारीखी वाकयात को छोड़ करके और कोई तारीखी हैसियत इस महीने की नहीं है। अगर तारीखी हैसियत आप और मानना चाहें तो आप ये देखेंगे कि इस महीने में हुर्मत का सहारा लेकर के बहुत सारे लोगों ने, दूसरे फ़िरक़ों ने इसमें बहुत सारे आमाल का इजाफा किया है। और सबसे बड़ा जो मारूफ है हमारे यहाँ, शहादत हुसैन इस महीने में। ये शहादत हुसैन आप सबको पता है कि सन 61 हिजरी में पेश आया, सन 61 हिजरी में पेश आया, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के तकरीबन कितने 61 साल और आपके वफ़ात के 50 साल बाद ये वाक़या पेश आया। जो वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 साल के बाद पेश आए, आपकी ज़िंदगी के बाद पेश आए, और उसको दीन का रुतबा दे दिया जाए,
तारीखी हैसियत दे दी जाए और बहुत सारे आमाल उसके हवाले से राइज कर दिए जाएं, क्या ये इस्लाम हमें इजाज़त देता है? तमहीद में ये बात वाज़े हो चुकी थी कि इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, दीन मुकम्मल हो चुका है और अल्लाह की नेमत पूरी हो चुकी है। अब उसके बाद जितने भी वाक़यात हुए हैं सब वाक़े हैं, रूनुमा हुए हादसात, हवादिस रूनुमा हुए, ये तारीख में मौजूद है, लेकिन दीनी कोई उसकी हैसियत नहीं है कि आप उसके हवाले से कोई ख़ास आमाल करें और उसको याद करें, उसको हर साल मनाएं, उस तारीख वाक़े को लेकर के हर साल कोई आमाल उससे मनसूब करके करें, यह इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त नहीं है। अगर इजाज़त होती शहादत हुसैन का हवाला लेकर के, अगर शहादत हुसैन मनाना इस महीने में जायज़ है तो शहादत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनाना क्यों नहीं जायज़ है? शहादत उस्मान मनाना क्यों नहीं जायज़ है? शहादत अली मनाना क्यों नहीं जायज़ है? शहादत हसन मनाना क्यों नहीं जायज़ है? और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो मुहर्रम ही में शहीद किया गया, और वो उमर, मेरे भाइयों मैं ये वाज़े करता चलूँ कि हमारे एक बात यहाँ मैं बतला दूँ, हमारे यहाँ के बहुत से भाई जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात से मंसूब करते हैं और ये समझते हैं, हमारी दुआ तो यही है कि अल्लाह तबारक ताला उनको असली अहले सुन्नत वल जमात बना दे, ये नकली अहले सुन्नत वल जमात नहीं जो सुन सुन करके सुन्नी बने हैं, नहीं, बल्कि असली अहले सुन्नत वल जमात हकीकत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको बना दे। ये हमारे भाई लोग या हमारे मुल्कों में इस वक्त आप सब लोग जानते होंगे, सुनते होंगे, खबरों में देखते होंगे कि हमारे मुल्कों में एक तो शिया हजरत और उन्हीं के साथ साथ ये अहले सुन्नत वल जमात वाले सेम उन्हीं की नक्काली करके वही सारे आमाल खुराफात रस्म व रिवाज अंजाम दे रहे हैं जो एक ख़ास फ़िरक़े ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिसकी बुनियाद ही इस्लाम को बर्बाद करने की है, जिसके पैदा होने से इस्लाम में इख्तलाफात की वो इब्तिदा हुई कि जो आज तक ख़त्म ना हो सकी, आज तक वो ख़त्म होना हो सकी, इख्तलाफात की वो बीज, तफरक़े की वो बीज इसने बोया, वो आज तक वो ख़त्म नहीं हो सकी। इसलिए मेरे भाइयों, हमें उन तमाम दुश्मनान इस्लाम से होशियार रहना चाहिए और तारीखी हकायक से वाकिफियत रखनी चाहिए। झूठे झूठे किस्से, अफसाना नवाजी, तराशी और मुख्तलिफ किस्म के वाहियात और खुराफात, किस्से कहानियाँ बयान करके इस वाक़े के हवाले से, शहादत हुसैन के हवाले से बयान करके खुद रोते हैं और लोगों को रुलाते हैं। मेरे भाइयों, आप खुद सबसे पहले तो शहादत हुसैन, जिनके हवाले से इस महीने को गंदा कर दिया गया है, बिदआत के खुराफात और उसकी गंदगी से इस महीने को ऐसा आलूद कर दिया गया है कि अब इसकी सफाई की गुंजाइश ही नहीं नज़र आती है, इतना आलूदा कर दिया गया है, बिदअतों से इतना भर दिया गया है कि वो लोग जो इनसे मुंसलिक हैं वो खुद जानते हैं कि इस महीने में कितनी बिदअतें ईजाद हैं। शहादत हुसैन, आप जानते हैं, सबसे पहले तो जब आपको मजबूर कर दिया गया था, मैंने इससे पहले बताया था कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अहले मदीना ने बैत ली थी और आपको दावत दी थी कि आप मदीना आए, हम आपको आपकी हिफाजत करेंगे, आपको अपना रहबर और रहनुमा इमाम मानेंगे, आप हमारे इमाम हैं। और आप जब तशरीफ़ लाए तो किस तरीके से अहले मदीना ने आपके साथ वफा की, इसी तरीके से हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाने वाले मदीना से, आप मदीना में थे, सहाबे किराम और मुसलमानों के दरमियान थे, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। वो लोग
जो जिन्होंने दावा किया आप हमारे पास आइए, आप हमारे यहाँ तशरीफ लाइए और हम आपको अमीरुल मोमिनीन यजीद के मुकाबले में आपकी बैत करते हैं, आपकी बैत करते हैं। सब जानते हैं कि तकरीबन 30,000 खतूत आपके पास रवाना किए गए बैत के। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो वहाँ पर मौजूद सहाबे कराम थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर और ख़ुद इनके भाई मोहम्मद बिन हनफिया, इन लोगों ने आपको मना किया कि आप कम से कम ये सोचिए कि आपके वालिद का मक्तल कहाँ है, वही कूफा है। आपके भाई बड़े भाई का मक्तल कहाँ है, वही कूफा है। यहाँ तक कि हजरत हुसैन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई, उन्होंने जब कूफा वालों ने कहा कि आप यजीद और अमीरुल मोमिनीन हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बयात कबूल ना करें, हम आपकी इताअत करेंगे, आपको हम अमीर बनाएंगे, आप नवासे रसूल हैं। नवासे रसूल ने क्या जवाब दिया था कि गद्दारों, जालिमों, ताअतुकुम ताअतुन मारूफा, तुम्हारी वफादारी मारूफ है, तुम कितने वफादार हो, तुम कितने हमारे नक्श कदम पर चलने वाले हो, हमारे साथ जान की कुर्बानी करने वाले हो, ये हमें पता है। ताअतुकुम ताअतुन मारूफा, हमारे वालिद, हमारे बाप के गर्दन पर तलवार रखने वाले कौन, तुम ही हो। कहा जालिमों, मैं तुमसे कभी भी, तुम्हारे ऊपर मैं कभी भी एतमाद करने वाला नहीं हूँ। और उन्होंने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत कबूल की, आपने बैत की, आपने ख़त भी भेजा कि हम आपके साथ हैं, और उनकी वजह से उम्मत में इत्तेहाद हो गया। जब इन सबाइयों ने, इन जालिमों ने जब देखा कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप इनकी बात नहीं मानी, तो इनको भी जहर दे करके वही कूफा में इनका मकबरा बनाया, वहीं पे इनको भी कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। अब आप इनसे पूछो, अहले बैत की मोहब्बत, कदम भरने वालों से पूछिए और उनसे कहिए कि अहले बैत का जनाजा कहाँ से निकला है, अहले बैत को कहाँ ख़त्म किया गया है। यही दावा करने वाले नाम निहाद मुसलमान, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और इसके साथ भी ये सारे वाक़े इनका हवाला दिया सहाबे किराम ने और रोका, लेकिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बार बार आपको परेशान किया जा रहा है, बार बार बुलाया जा रहा है, तो अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि जाओ हालात का पस मंज़र वहाँ देखो और वहाँ से हमें इतला दो। वहाँ जब पहुँचते हैं तो तकरीबन 100,000 लोगों ने उनसे बयात की, कितने, 100,000 तलवारें तैयार थीं कि हम इमाम हुसैन, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिफाजत में उनके साथ हैं। मेरे भाइयों, लेकिन जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने वहाँ से रुका रवाना कर दिया कि आइए यहाँ पर कोई मसला नहीं है, सब आप पर अपनी जान निछावर करने वाले हैं, इन जालिमों को पता चला कि इधर से रवाना हो चुका ख़त, इन्होंने इधर से गद्दारी शुरू कर दी, और दूसरे दिन ही मुस्लिम बिन अकील को वहीं कूफा की मस्जिद में कत्ल कर दिया गया। मेरे भाइयों, ये सवाल आप हर जिसके पास अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अक़ल दिया है, ख़ुद इसको सोच करके ख़ुद उसके समझ में जवाब आ जाएगा कि धोखेबाज कौन हैं, कत्ल करने वाले कौन हैं, तदबीर किन्होंने की और इसका जुर्म किनके ऊपर, यजीद के ऊपर डाल दिया। मुजरिम खुद
अपने घर में बुलाया और तोहमत किनके ऊपर? यजीद के ऊपर। बदनाम जमाना कौन हो गया? यजीद, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही रिवायत में है बशारत दी है जन्नत की। आज हमारा बर्रे सगीर का मुसलमान अगर यजीद रहमतुल्लाह अलैह लगा दिया जाए, अगर उसके कान से ये बात टकरा जाए तो पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान उठा लेते हैं सर पर, और ये गवारा नहीं करते हैं, उनको ये कबूल नहीं है, बल्कि उनको कातिलाने हुसैन कबूल हैं, और जिन्होंने हुसैन को समझाया, हुसैन के ख़ानदान को की हिफाजत की, जिनको इज्जत के साथ अपने घर में रखा और फिर उनको मदीना रवाना कर दिया, उन पर लानतों के बौछार करते हैं। मेरे भाइयों, हकीकत हकीकत का मुताला करें और देखें कि ये 1,00,000 तलवारें हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब करबला मकाम मैदान करबला में पहुंचते हैं, दुनिया जानती है, पूरे लोग जानते हैं, सारे लोगों को ये पता है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कितने लोग थे। कितने लोग थे? तकरीबन 70 या 72 लोग थे बस। कहाँ हैं 1,00,000? कहाँ गए 30,000 जिन्होंने आपके साथ मरने मिटने की कसमें खाई थी, अहद व पैमान दिया था? कहाँ गए वो लोग? जमीन में घुस गए? आसमान उड़ा ले गया? कहाँ चले गए थे वो लोग? मेरे भाइयों, वो उन्हीं में थे, उनका साथ दे करके, और इनका इनकी तदबीर ही यही थी कि उनको बुलाया जाए, धोखे से उनको बुलाया जाए और उनको कत्ल कर दिया जाए, और इसका इस कदीये का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। हकीकत आप खुद सोचें कि ये 1,00,000 कहाँ हैं? उनको किसी ने जकड़ तो नहीं दिया था, और अगर जकड़ भी दिया था तो 1,00,000 अगर तलवारें हो जाएं तो कुछ तो मार का हल कर सकती हैं कि नहीं कर सकती थी? कितने? तारीख में तो ये नहीं आता है कि शाम से फौजी लश्कर भेजा गया, ये तो नहीं आता है। सारे के सारे इब्ने ज़ियाद के फौज में कौन थे? वही चेहरे जिनके खतूत हजरत हुसैन को भेजे गए थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे भाइयों, अगर उन लोगों ने वफा की होती तो ये वाकया रूनमा होता, इतनी आसानी से नहीं होता। 72 कहाँ चले गए थे वो लोग? मेरे भाइयों, कूफा ने कहाँ हजम कर लिया था 1,00,000 लोगों को उस वक्त? आज से तकरीबन 1400 साल पहले कहाँ हजम हो गए थे? इसीलिए हकायक को जानना बहुत ही ज़रूरी है, और ये कोई बहुत बड़ा अलमिया नहीं है कि आप उसको समझ ना सकें। ठीक है, मशीयत इलाही से ये वाक़या रूनुमा हो गया, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मज़लूमाना शहीद हो गए। आपको शहादत मिली है, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्या आप उस नुकसान का हवाला दें? अरे हमारा सब कुछ लूट गया, हम बर्बाद हो गए, नौहा करें? नहीं मेरे भाइयों, शहादत तो वो अजीम नेमत है कि जिसकी तमन्ना हर अहले ईमान की करता है, सबके दिल में होती है, और अहले ईमान तड़पते थे उस वक्त के मोमिन तड़पते थे कि उनको शहादत अल्लाह की राह में नसीब हो जाए, और शहदा के खून ही से तो तारीख इस्लाम की तारीख मरकूम है। अगर सिर्फ शहादत लेकर के हमें उसको याद करना होता तो इससे बड़े बड़े शहादत रूनुमा हो चुके हैं तारीख इस्लाम में। वो शहीद
जिसको अल्लाह के नबी ने सैयद शहदा कहा है, हजरत हमजा की शहादत उम्मत इस्लामिया के लिए कोई कम खसारा नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी इस अमलनाक वाकये को भूल ना सके, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस दिन जब अपने चचा के लाश को देखते हैं, पूरी लाश मुसला, हाथ पैर काट लिए गए, आंखें नाक और कान काट लिए गए, सीना चीर करके दिल निकाल लिया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आहो बुका की, नौहा व मातम किया, सहाबा किराम को हुक्म दिया कि जब ये वाकया, इस वाकये को याद रखना, और जब भी ये वाकया साल में आए, ये दिन आए, मेरे चचा को नहीं भूलना। क्या फरमाया? ये हुक्म दिया, यहां तक कि उसी वक्त आपकी फूफी हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती हैं अपने भाई को देखने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि मेरी फूफी को मना कर दो, रोक दो, अपने भाई के लाश को देख करके सब्र नहीं कर सकेंगी, मना कर दो। क्या जवाब दिया था? फरमाया था कि मैं अपने भाई की लाश को देखूंगी, और ताकि मुझे भी फख्र हो कि जिस जाबाज भाई ने अल्लाह के राह में इतनी कुर्बानी दी है, उसी जाबाज भाई की मैं जाबाज बहन हूं, मैं सब्र करूंगी, गिरिया उजारी नहीं, गिरेबान चाक नहीं। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म दिया है कि हम अल्लाह के हर उस तकदीर पर हम राजी बरज़ा रहें, और यही कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बड़े बड़े इसी मुहर्रमुल हराम में शहादत उमर भी रूनुमा हुई, वो अमीरुल मोमिनीन, वो उमर कि जिस उमर के बारे में तारीख शाहिद है, इस्लामी तारीख जिनके दौर से आज भी फख्र करती है, आज भी इस उम्मत को इस अमीरुल मोमिनीन पर फख्र हासिल है, और ये वो उमर है कि जिस उमर के इरादे से कुरान नाजिल होता था, जिब्रील आ जाते थे, कलाम इलाही नाजिल हो जाती थी, उमर की ख्वाहिश होती, रब्बे जुलजलाल जिब्रील को भेज देता था कि जाओ उमर की बात पर अल्लाह ने मुहर लगा दी, शरीयत बन जाती थी। मेरे भाइयों, उस अमीरुल मोमिनीन को धोखे से, दर्दनाक तरीके से हमला किया गया, उनकी शहादत इसी महीने में रूनमा हुई, वाकई हुई। हुक्म दिया गया, किसी ने मनाया? बल्कि आज वो लोग जो अपने आप को मोहब्बत आले बैत का दावा करते हैं, और हमारे वो भाई जो उनकी मीठी मीठी बातों में आकर के, उनको भी ये तसव्वुर करते हैं कि ये हाँ वाकई अहले बैत हैं, से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे भाइयों, आप इसकी एक दो मिसाल नहीं है, हमारा पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश भरा पड़ा है इनकी मजलिसों में। इनके यहाँ भी वही चीज़ होता है जो वो लोग करते हैं मोहब्बत आले बैत के नाम पर। मुहर्रम का महीना शुरू होता है, हमारे सुन्नी भाई भी इस महीने में शहादत हुसैन का वो वाकया, ऐसा अलमनाक वाकया बयान करने लगते हैं, झूठी और वाहियात कहानियां और अफसानी तर्ज तरीके पर ऐसा बयान करते हैं कि खुद रोते हैं और दूसरों को भी रुलाते हैं। आहो बुका का वो मातम शुरू हो जाता है कि जो थमने वाला नहीं होता है। मेरे भाइयों, यही हमारे यहां ऐसे ऐसे मुफ्ती
और वाइजीन पड़े हुए हैं जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात का ठेकेदार समझते हैं और ये समझते हैं कि हम असली अहले सुन्नत वल जमात हैं। और मेरे भाइयों, इनका ताल्लुक किन से है, ये किन की मजलिसों में बैठते हैं, या इनकी मजलिसों में कौन होते हैं, या इनकी मजलिसों में कौन से नारे लगते हैं, मेरे भाइयों आप खुद अंदाज़ा करें कि इनकी मजलिसें, इन राफिदियों की मजलिसें जब मुनक़िद होती हैं, कोई एक मजलिस नहीं होती है जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये लानतान न करें। वो दावा करते हैं मोहब्बत आले रसूल का, ठीक है, कौन मोमिन, कौन मुसलमान आले बैत से मोहब्बत नहीं करता है? है कोई, है कोई मुसलमान जो आले बैत से मोहब्बत नहीं करता है? लेकिन उनकी देखा देखी हम उन्हें अपनी मजलिसों में बुलाएं, हम उनकी मजलिसों में जाएं और जो उनकी बातें हैं उस पे हम खूब नारे लगाएं। मेरे भाइयों, हमारा अकीदा है हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और उसके साथ साथ तमाम सहाबे कराम से भी मोहब्बत करते हैं। तमाम सहाबे कराम, हमारा अकीदा ये है कि जितना ईमान उनके पास था क़यामत के दिन तक उतना ईमान किसी के पास हो ही नहीं सकता है। वली कामिल अगर कोई थे तो वही, वो पहली पीढ़ी सहाबे कराम की, वही लोग जो थे जिनसे हमें दीन मिला है, जिन्होंने रब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दीन को सुना और उसके ऊपर अमल किया। उनको लानोतान करना, उनको गालियां देना और ये कहना कि सब के सब मुर्तद हो गए थे, नऊज़ बिल्ला, मेरे भाइयों क्या हम उनकी मजलिसों में, हमें उनकी मजलिसें गवारा हो सकती हैं? उन्हें हम अपनी मजलिसों में बुला सकते हैं और बड़े प्यार से अहले तशय्यू कहते हैं, मेरे भाइयों बड़े प्यार से अहले तशय्यू कहते हैं और हम ये समझते हैं कि ये भी हक पर हैं। इनकी मजलिसों, आप बड़े बड़े इनकी मजलिसें देखिए, ईद मिलादुन नबी का मौका हो, मुहर्रम का मौका हो, सारे मौकों पर ये भी मौजूद रहते हैं और कोई भी इनकी मजलिस इनके नारों से पाक नहीं होती है। आप जहां पर आप सुनेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसके साथ साथ नारे हैदरी भी लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? नारे हैदरी, ये नारे हैदरी किनका है, किनका नारा है? ये शियों का नारा है, ये उन लोगों का नारा है जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नऊज़ु बिल्लाह फाहिशा कहते हैं। ये उन लोगों का नारा है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ालिम व जाबिर कहते हैं। ये उन लोगों का नारा है जो अमीर मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ालिम व जाबिर कहते हैं और गालियाँ देते हैं। मेरे भाइयों, हमारे ये भोले भाले मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह तबारक ताला इनको असली अहले सुन्नत वल जमात बना दे और इनको समझ अता कर दे कि वाकई हकीकत क्या है और दीन, असल दीन क्या है। महीना शुरू होता है, बिदात व खुराफात की धूमधाम हमारे यहाँ शुरू हो जाती है, वो फिरका तो फिरका, शिया तो शिया, लेकिन उनके साथ साथ उन्हीं की मोहब्बत में हमारे ये मीठे मीठे, जिनको हमारे यहाँ मीठे मीठे, मीठा मीठा कहने, मीठा मीठे मीठे भाइयों का खिताब मिलने लगा है। ये बेचारे जाहिल लोग उन्हीं की देखा देखी शुरू कर देते हैं, नोहा करना, मातम करना, कब्रस्तारों पर जाना, कब्रों की लीपापोती करना और इसी तरीके से मरसिया गाना, ये सब सबीलें लगाना, हुसैन के नाम पर मंगता छोड़ना, ये सारा काम कौन करता है? ये सुन्नी भाई करते हैं। सुन्नी कहते ना कि सिया सुन्नी भाई भाई, वही कहते हैं। हालांकि इस्लाम में राफिदियों का कोई मुकाम नहीं है, ये तो पैदा ही हुए हैं दीन को ख़त्म करने के लिए। मैंने बताया था कि ये दो चीज़ों के मिक्स हैं, दो धर्म, यहूदियत और मजूसियत, यहूदियत और मजूसियत मिल करके ये शियत बना है। आप इनसे पूछें, वाकया करबला रूरमा हुआ
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، خود آپ کے خاندان کے لوگ جو بچے، کیا ان لوگوں نے کبھی اس واقعے کو یاد کیا؟ کہیں ثبوت دلا سکتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کی ذریت بچی تھی کربلا کے میدان میں، یزید رحمت اللہ علیہ کے پاس جو لوگ قافلہ گیا تھا بچا کچا، کیا ان لوگوں نے دوسرے سال محرم کو یاد کیا، نوحہ ماتم کیا، گریہ وزاری کی، مرثیہ پڑھی اپنے اہل خانوں کے نام پر؟ امام زین العابدین کی مثال لے لیجئے، امام باقر سے پوچھئے، ان لوگوں نے کبھی کچھ کیا؟ نہیں. خود ان کے گھر والوں سے پوچھو، پھر اس کو کون کیا؟ اس کا ایجاد کہاں سے ہوئی؟ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی؟ وہیں سے ابتدا ہوئی کہ جنہوں نے اسلام کو برباد کرنے کی قسم کھائی تھی، جنہوں نے اسلام قبول اسی لیے کیا تھا تاکہ ان کے درمیان میں رہ کر کے ان کو ملیا میٹ کیا جائے. اور 360 تقریباً 60 میں فاطمی فرقے کا ایک بادشاہ، ایک حکمران معز الدولہ نے اس کو ایجاد کیا تعزیہ کی رسم، اور پھر نوحہ، ماتم اور یہ سب چیزیں شروع کر دی، اور یہ پروان چڑھی یہاں تک کہ ہمارے بھولے بھالے رسم و رواج کہ گرویدہ پسند کرنے والے ان لوگوں نے اس کو اپنا لیا، گلے لگا لیا کہ چلو بھائی ہم حسین کو یاد کریں گے، حسین پر بڑا ظلم ہوا، ہاں، اور نوحہ کرنا، ماتم کرنا، گریہ وزاری کرنا شروع کر دیا، اور انہی کے نام پر آج ہمارے ملکوں میں پیسہ کمانے والے پیسہ کماتے ہیں. میں بتایا کہ جتنی بھی بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں ہمارے ملکوں میں جو موجود ہیں، جتنی بھی بدعتیں موجود ہیں، عید میلاد النبی لے لیجئے، اور اسی طریقے سے وفات رسول، یہاں تک کہ یہی نہیں بلکہ اگر نعت کی مجلسیں بھی منعقد ہوں گی، سب کمائی کا ذریعہ بن چکی ہیں، سب کمائی کا ذریعہ ہمارے یہاں بن چکی ہیں. وہ خرافات میرے بھائیوں ہمارے یہاں موجود ہیں. میں نے بتلایا تھا کہ اسلام میں صرف کیا ہے، اس مہینے میں صرف روزہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اگر شہادت حسین کے واقعہ کو لے کر کے کوئی عمل ایجاد کرنا ہوتا اور مشروع ہو تو اس سے پہلے بھی بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں، اور بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں. جو حق و باطل کی فتح تھی یہ تو، اور اسلام مسلمانوں پر یہ تو ایک آزمائش تھی، دونوں طرف اسلام ہی کے کلمہ پڑھنے والے، نام لیوا مسلمان دونوں طرف ہیں، یہ تو ایک مسلمانوں کی آزمائش تھی یہ. لیکن اس سے پہلے جو کفر و باطل کی جو مارکے ہوئے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، خیبر ہوا، احزاب ہوا، تبوک اور موتا اور فتح مکہ، یہ سب جو غزوے پیش آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاریخی حیثیت دی، ان کو منایا، بار بار ہر سال یاد کیا، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے یاد کیا، میرے بھائیو کبھی نہیں آپ کو اس کی مثال ملے گی. چلو ٹھیک ہے، مان لیں کہ خاندان اہل بیت سے ثابت نہیں ہے یہ منانا، تو چلو ہم ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جن کے نام پر ہم اپنی نسبتیں رکھے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو اگر حنفی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیجئے کہ کتنے محرم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسمیں بنائی ہیں جو آج ہمارا ہر حنفی بھائی کرتا ہے، وہ حنفی ہی تو ہیں.
حنفی ہی تو ہیں، اپنے آپ کو کس مسلک پہ چلتے ہیں؟ مسلک کے معنی ہوتا ہے ان کے طریقے پر چلنا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہمیں ان کی طرح کرنا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منایا ہے؟ کوئی نہیں ثابت کر سکتا ہے، کوئی نہیں ثابت کر سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے یہ اعمال محرم میں منائے ہیں۔ میں نے بتلایا کہ یہ 360 تقریباً ہجری میں اس کا ایجاد ہوا، اور پھر اسی وقت سے یہ شروع ہوتے ہوتے ہمارے ہندوستان، پاکستان اور یہ سب میں پھیل گیا، اور ہمارے یہاں کے لوگ تو اس میں بہت آگے رہتے ہیں، رسم و رواج والی چیزوں میں بہت آگے رہیں گے، اور ان کو پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب ان کو نبی کی بات پر عمل کرنا ہوتا ہے، یا امام ہی اگر واقعی امام کو مانتے، واقعی نبی کو مانتے، تو امام کے نام پر بھی مذہب نہ بنا لیتے، اور امام کو مانتے تب بھی امام کے نام پر مذہب نہ بناتے اور ان کے نام کو بدنام کرتے۔ میرے بھائیو، سب سے بڑا ظلم تو ہم کر رہے ہیں، سب سے بڑے ظالم تو ہم ہیں کہ اپنے آپ کو نبی کا شہدائی کہیں، اپنے آپ کو عاشقان رسول کہیں، اپنے آپ کو محبان رسول کہیں، اور سارے عمل ہمارے نبی کے خلاف ہوں، سارے عمل ہمارے نبی کے خلاف ہوں۔ پوچھو اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے؟ پوچھو اللہ کے نبی نے جس طریقے سے آج کاغذ کا تعزیہ بنا کر کے ہندوؤں کے دسہرا پوجا جو مورتیاں بنا کر کے 10 دن وہ رکھتے ہیں پنڈال لگا کر کے، اور اس میں رام لیلا اور سب کی کہانیاں کرتے ہیں، اور پھر 10ویں دن جا کر کے اس کو ندیوں میں، تالابوں میں اس کو غرق کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ سنی مسلمان ہمارے، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ تعزیہ بنا کر کے پکے موحد رہتے ہیں، پکے کیا رہتے ہیں؟ موحد بنے رہتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، اور امام حسین کے نام پر کھانے بناتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، اور 10 دن تک یہ دھوم دھڑکا رہتا ہے، اور 10ویں محرم کو ناچ کود کر کے، اچھل کود مچا کر کے، جلوس نکال کر کے، اور امن کو برباد کر کے کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی پانی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کچھ فرق ہوا؟ کچھ فرق ہم نے محسوس کیا دسہرہ میں اور محرم میں؟ کوئی فرق محسوس ہوا؟ یہ اعمال، غیر شرعی اعمال جو آج مسلمان کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ہمیں حسین کی رضا ملتی ہے، حسین ہمیں عذاب سے چھٹکارا دلائیں گے، حسین ہمیں بچائیں گے، میرے بھائیو، حسین خود اپنے آپ کو نہ بچا سکے، وہ آپ کو کیا بچائیں گے؟ حسین بندے ہیں اللہ کے، حسین اللہ کے محتاج ہیں، اور ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب کو اللہ سے مانگنا ہے، حسین سے نہیں مانگنا ہے، ہم سب کو یا اللہ کہنا ہے، یا علی نہیں کہنا ہے۔ کتنے ہمارے مسلمان ہیں جن کی زبانیں یا علی کہنے سے نہیں، یا حسین یا علی کہنے سے نہیں تھکتی ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ جب ہمارا مقرر، ہمارا واعظ جب بڑے شان سے تقریر کرتا ہے تو لوگ جب کہتے ہیں نعرہ حیدری، تب کیا کہتے ہیں؟ یا علی ہی تو کہتے ہیں۔ یا علی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارتے ہیں علی کو، اللہ کو نہیں پکاریں گے، یا اللہ نہیں کہیں گے، بلکہ یا علی کہیں گے۔ میرے بھائیو، غور کرنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے۔ تو ان ائمہ سے بھی ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ اب دیکھیے کہ کتنے اعمال ہمارے غیر شرعی ہیں۔ نوحہ ثابت ہے؟ نوحہ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو گریبان چاک کرے اور اپنے سینے کو پیٹے، ماتم کرے، یہ زمانے جاہلیت اور جاہلیت کی پکار پکارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھو جو لوگ نوحہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتے ہیں،
मेरे भाइयों, क्या वो मुसलमान हो सकते हैं? अल्लाह ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है जो मातम करे। और इसके अलावा भी सोग मनाते हैं हजरत हुसैन की शहादत पर। मेरे भाइयों, इस्लामी शरीयत में सोग, आप जानते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा किसी पर सोग नहीं है, सिर्फ वो उस औरत जिसका शौहर इंतकाल कर गया उसके लिए 4 महीने 10 दिन है, और 3 दिन से ज़्यादा किसी के ऊपर सोग मनाना इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। और कितने साल हो गए और हम सोग मनाते आ रहे हैं, मालूम क्या हुआ कि ये भी इस्लाम से नदारत है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से मरसिया, मरसिया भी गाया जाता है हमारे यहाँ, ओ बड़े बड़े आहो बुका के साथ। और यही नहीं बल्कि मरसियाई ढोल भी बजाया जाता है, बाजे भी बजाए जाते हैं, जिससे जाहिर होता है गम, जाहिर होता है, समझ रहे हैं? ये मेरे भाइयों, क्या इस्लाम ने इसका हुक्म दिया है? इस्लाम तो साफ और पाक और साफ सुथरा मजहब है, ये ढोल ताशों का इस्लाम में कोई जगह नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना गम में और ना ही खुशी में, मक्का फतेह हुआ, गज़वे बद्र की खुशी हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लाओ ढोल ताशे बजाओ, खूब पटाखे फोड़ो और उधम मचाओ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है? अगर नहीं किया है, खुशी पर हमें अपने रब का शुक्रिया अदा करना है, खुशी पर हमें अपने रब को खुश करना है, लोगों को खुश नहीं करना है, ये दिखावी मोहब्बत आपके मुंह पे मार दी जाएगी। इसी तरीके से शहादत हुसैन के 40 दिन के बाद क्या किया जाता है? चहलम मनाया जाता है। और सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं होता है मेरे भाइयों कि सिर्फ ताजिया ही हो, उसके साथ साथ हुसैन का घोड़ा हाँ उसको भी पूछते हैं, खास किस्म का घोड़ा बनाए रहते हैं और उसको भी पूछते हैं। ये सब आप पूछिए कि या हुसैन कहना या अली कहना, और इस तरीके से ताजिया बना करके उसको 10 दिन रखना इमाम बाड़े में उसको रखना, और फिर इमाम बाड़े में रख करके वहाँ पे महफिलें जमा करना, अज़ा की मजलिसें करना, ये सब इस्लाम में है? इस्लाम में इसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाइयों। और आज जब 10वीं मुहर्रम होता है तो उस दिन क्या वो ताज़िया के ये भी सुनने में आता है कि ताज़िया के आर पार चारों तरफ लोग नाचते हैं, तवाफ़ करते हैं पैकर बन करके, और यही नहीं बल्कि लाठी वगैरह भी खेला जाता है, लकड़ियाँ भी खेलते हैं, और ये समझते हैं कि हम सब हुसैन के क्या हैं? लश्कर हैं। ये कोई शिया नहीं, वो तो करता ही, उसके यहाँ होता हो जो भी होता हो, ये हमारे लोगों में, हम लोग अपने कुर्बो जवार में देखते हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनके यहाँ ये रिवाज है। मुहर्रम का खाना पकता है, मलीदा वगैरह बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनता है, सबीलें लगाते हैं पानी के, दूध की सबीलें, ये सब लगाते हैं मेरे भाइयों। और यही नहीं बल्कि हमारे यहाँ इसको तो बहुत बड़ा त्यौहार भी माना जाता है, मुहर्रम को बहुत बड़ा त्यौहार भी माना जाता है। मुसलमान के लिए कितने त्यौहार हैं? कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन हैं? ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। इसके अलावा सिर्फ जुमा है जिसमें आप खुशी मना सकते हैं, इबादत करें, अपने अहलो अयाल की ज़ियारत करें, खाना खाएं, पकाएं, अच्छा कपड़ा पहने। उसके अलावा और कोई दिन हमारे लिए ईद का दिन नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 ईद, बहुत फजल वाली ईद, और जिसका मनाना बड़ा साफ सुथरा, रब की बड़ाई, रब की तकबीर, तहलील, उसको याद करना, अपने रब को पुकारना, अपने रब की हमदो सना बयान करना, यही पूरे अमाल दोनों त्योहारों में है। इन दोनों त्योहारों में क्या है मेरे भाइयों? क्या मना कि जाकर वहाँ पर उधम ढकेल मचाएं और वहाँ पर हम गाने गाएं, कव्वालियाँ गाएं,
محفل سماع منعقد کریں؟ یہ ہوتا ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، ہرگز نہیں، بلکہ وہاں پر مسلمان نکلتے ہیں، اپنے رب کے بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، یہ عمل مسلمان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے ہمارے ملکوں میں جب یہ ادم ڈھکیل اور یہ بدعتیں اور یہ کاغذ کی مورتیاں امام حسین کے نام پر بنائی گئیں تو آپ جانتے ہیں کہ تب ہندو لوگوں نے کیا کہا کہ دیکھا جو تعزیہ تو پنڈت نے یہ کہا، دیکھا تو تعزیہ تو پنڈت نے یہ کہا، تو نے میرے مندر کا نقشہ چورا لیا، تو نے میرے مندر کا نقشہ چورا لیا، کاغذ میں جب حسین کو تو نے بلا لیا، کاغذ میں جب حسین کو تو نے بلا لیا، اور مٹی کی مورتی میں خدا کیوں نہ آئے گا، تو نے کاغذ بنا کر کے حسین کو بلا لیا اور میں مٹی کی مورتی بنا کر کے اپنے رب کو کیوں نہ بلا لوں، خدا کو کیوں نہ بلا لوں، تم تعزیہ بناؤ، تم جلوس نکالو، تم بھی گانے، تم بھی نظر و نیاز، یہ سب تمہارا عمل، اور ہم اگر ہم کریں تو ہمیں کافر کہو اور اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کہو۔ میرے بھائیوں، آج کا یہی مسلمان، اس طرح کا مسلمان جو اعداء اسلام کے بنائے ہوئے دین کو اپنا لے، اور ایک بات تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، کوئی جھوٹ نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ عز و جل سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اگر کوئی جملہ ہو، اگر صحیح ہو تو اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط بات نکل جائے انسانیت کے ناطے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واعظ، ایک بڑا معروف واعظ کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ ہندوستانی انٹیلیجنس کو مخاطب کر کے کہ تمہیں دہشت گرد پہچاننا ہے، میں بتلاتا ہوں آسان طریقہ، جس کو محرم میں تعزیہ بناتے دیکھو، نوحہ کرتے دیکھو، سینہ پیٹتے دیکھو، ماتم کرتے دیکھو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ محبان فدائیان حسین ہیں، اور جس کو اولیاء کی قبروں پر چادریں چڑھاتے دیکھو، عرس مناتے دیکھو، قوالیاں گاتے دیکھو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ عاشقان رسول ہیں، اور جو ان دونوں کو منع کرے، ان دونوں کو غلط کرے، دونوں کو غلط کہے، سمجھ جاؤ کہ یہی وہابی ہے اور دہشت گرد ہے، یہ موجود ہے ہمارے یہاں، اس طریقے سے کہا جاتا ہے، یعنی جو غیر اللہ کو پکارے وہ صحیح، اور جو یہ دعوت دے کہ رب ذوالجلال کی چوکھٹ کے آگے ہمارا سر کہیں نہیں جھک سکتا ہے، اگر ہمارا سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا اور کسی اور کے سامنے، چاہے تم پہاڑ کے برابر ان کی کرامتیں بیان کرو، ان کے واقعات بیان کرو، کچھ بھی بیان کرو، اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اے لوگو اپنے رب سے نازل کی ہوئی تمام احکامات، قرآن کی پیروی کرو، قرآن پر چلو، اپنے نبی کے احکامات پر چلو، اور ان بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء کی پرستش نہ کرو، ان کے نقش قدم پر نہ چلو، ان کے یہاں مت جاؤ، ان کے قبروں پر چادریں مت چڑھاؤ، اور ان کے یہاں عرس اور قوالی بنا کر کے غیروں کے مقابلے میں اپنے دین کو برباد نہ کرو۔ میرے بھائیو، کیا مسلمان کے لیے یہ جائز ہے؟ آج یہی دین ہو چکا ہے، اگر بتایا جائے، کہا جائے کہ اپنے نبی کی سنت سے چمٹ جاؤ، اپنے نبی کی سنت کو اپنے آنکھوں کا سرما بنا لو، اپنے نبی کے علاوہ اور کسی کے سنت کو مت تلاشو، ایک راہ نبی نے بتائی ہے اسی پر مضبوطی سے قدم جما لو اور چلتے رہو، اور اپنے رب کے علاوہ کسی کو مت پکارو، مددگار مت سمجھو، روزی رسا مت سمجھو۔ اللہ فرماتا ہے ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، قیامت کے دن
गौसे आजम काम नहीं आएंगे, बंदा नवाज काम नहीं आएंगे, फरीद बाबा फरीद काम नहीं आएंगे, निजामुद्दीन औलिया काम नहीं आएंगे, मेरे भाइयों हजरत हुसैन काम नहीं आएंगे, यहाँ तक कि नबी भी काम नहीं आएंगे, बल्कि काम कौन आएगा? अल्लाह फरमाता है मालकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीय वला नसीर, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं है। अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह पसंद फरमा लेगा, तब हमारा बेड़ा पार है। नहीं तो अल्लाह को नाराज करके हम किसी के भी दामन को चिमट जाएं, मेरे भाइयों हमें राह निजात नहीं मिल सकती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझने की कोशिश करें। और मेरे भाइयों इस शिर्क की दलदल से अपनी उम्मत को बचा लीजिए, नहीं तो अगर कहीं इसी पर हमारे माँ की, हमारी बहन की, हमारे भाई की, हमारे बाप की मौत हो गई, मेरे भाइयों अल्लाह ने क्या फरमाया है, इन्नल्लाह ला यग्फिरु अन युशरक बिह, इन्नल्लाह ला यग्फिरु अन युशरक बिह व यग्फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। नमाज ठीक से नहीं पढ़ सका, रोजा ठीक से नहीं रख सका, और आमाल ठीक से नहीं कर सका, लेकिन उसने अपना सर किसी गैर के सामने झुकाया भी नहीं जिंदगी में, तो उसकी बख्शिश के बारे में अल्लाह कहता है माफ कर सकता हूं। लेकिन अगर शिर्क पर, याद हुसैन पर, या अली कहते हुए या हुसैन कहते हुए लुक्मे अजल बन गए, मौत के मुंह में चले गए, पूरी दुनिया लग जाएगी, गौसे आजम भी आए, ख्वाजा गरीब नवाज भी आए, और मसूद सालार भी आए, फरीद भी आए, पूरे हिंदुस्तान के सारे औलिया, पूरी दुनिया के सारे औलिया मिल जाएं, अइम्मा भी आ जाएं, अंबिया भी आ जाएं, कोई काम आएगा? नहीं आएगा। अल्लाह ने फरमाया मा कान लिन्नबी वल्लज़ीन आमनू अन यग़फ़िरू लिल्मुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुर्बा मिन बादी मा तबय्यना लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। क्या फरमाया? फरमाया किसी नबी, क्या फरमाया? किसी नबी और किसी वली के लिए भी इजाजत नहीं होगी। अब कहां गए वली? रब ने बंद कर दिया दरवाजा, वली भी नहीं कर सकते कुछ भी। हकीकत में जो वली हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और उनके लिए जर्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं होगी कि वो मुशरिकीन की सिफारिश करें, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें, अल्लाह से सिफारिश करें, नहीं हो सकता। वलौ कानू उली क़ुर्बा, चाहे वो वली के बाप ही क्यों ना हो, चाहे वो नबी की माँ ही क्यों ना हो, किसी के काम नहीं आ सकते हैं। यही बात थी, कुफ़ारे कुरैश जानते थे, वो समझते थे कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ लेंगे तब फिर हम या हुबल नहीं कह सकते, या लात उज़्ज़ा नहीं कह सकते, कलमा पढ़ने के बाद हमें सिर्फ या अल्लाह कहना पड़ेगा। इसीलिए कहा था अजअ अल आलिहा इलाहा वाहिदा, क्या कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह कह के हम अपने सारे माबूदों को छोड़ दें? यही आज भी कहा जाता है, क्या वहाबी बन जाएं और औलिया को छोड़ दें, वहाबी बन जाएं और फिर गौसे आजम को भी ना माने, ख्वाजा गरीब नवाज के दर को भूल जाएं, औलिया की इज्जत ना करें? मेरे भाइयों अगर हम औलिया को नहीं जानते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम हमने कभी जिंदगी में लिया भी नहीं, हमने कोई किसी भी वली जो हमारे यहाँ मौजूद है किसी को हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह को जानते हैं, पांच वक्त के नमाजी हैं, तो अल्लाह हमें इसके बारे में पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि तुम फलां वली को क्यों नहीं जानते थे, फलां के दरबार पर तुम क्यों नहीं गए। मेरे भाइयों इसलिए सीधा साधा मसला है, क़यामत के दिन को याद करो, मौत को याद करो, और वलतंदुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को कहता है कि ऐ मोमिनों अल्लाह को पहचानते हुए फिर गैरुल्लाह के पास क्यों जाते हो? अल्लाह पर ईमान रखते हुए कलमा पढ़ते हो, और हर मुसलमान चाहे वो मुशरिक हो, हर मुसलमान जो कलमा पढ़ता है वो चाहे मुशरिक क्यों ना हो, उसको ये पता होता है अल्लाह की ज़ात का
सबसे बड़ा अल्लाह ही की जात को मानता है, लेकिन उसके साथ साथ इनको भी पुकारता है। यही शिर्क है मेरे भाइयों। अल्लाह फरमाता है وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, اکثر لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, تعزیہ بناتے ہیں, نوحہ کرتے ہیں, مریدے بانٹتے ہیں, سبینے لگاتے ہیں, حسین کے نام پر منگتے پھیلاتے ہیں, چھوڑتے ہیں, یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ سب اپنے آپ کو پکا مومن, پکا سنی, پکا حبیب رسول کیوں نہ پکا کہے؟ اگر ایسا نہیں کہیں گے تو نبی کے نام پر ان کو بخششیں کہاں ملیں گی؟ نبی کے نام پر دنیا کہاں کمائیں گے؟ یہ سجادہ نشین, یہ بڑے بڑے سورما جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگوں کو اپنا بندہ بنائے ہوئے ہیں, کوئی بھی کام کہو ارے ہمارے پیر نے یہ کہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے, ہمارے پیر کا حکم ہے کہ ہم ایسا کریں, کوئی نہیں کہتا ہے کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے, پیر جی نے ہمارے منع کیا ہے, پیر جی نے ہمارے اس سے روکا ہے, پیر کا حوالہ دیتے ہیں, قیامت کے دن وہ کام آئیں گے؟ میرے بھائیو یہ سب دنیا کمانے کے. آج اگر حسین سب کو نوازتے تو کوئی بھی کربلا جانے والا غریب نہیں ہوتا. اللہ عز و جل نے تو یہ نہیں کہا ہے کہ ہم اپنے تمام بندوں کو نوازیں گے, نہیں کہا ہے. اللہ کا قانون تو یہ ہے, وہ تو کہتا ہے کہ ہم اپنوں کو بھی آزمائیں گے اور دوسروں کو بھی آزمائیں گے, مومن کو دیں گے بھی, دے کر بھی آزمائیں گے اور لے کر بھی آزمائیں گے, دنیا بھی دیں گے اور دنیا بھی چھینیں گے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے تو پھر اللہ کو ماننے والا کیوں غریب ہے, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری زبانیں نہیں تھکتی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جو بھی خواجہ کے در پر جائے جھولی بھر کر لائے, یہ کس کا جملہ ہے؟ ہمارا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, جب سب کو نوازنے والے ہیں تو پھر کیوں ہمارے ملکوں میں اتنے غریب موجود ہیں؟ سب کو مالدار کر دیں, سب کو نواز دیں غریبوں کو. میرے بھائیوں جتنے بھی مشرک ہیں, جتنا جن کا بھی عقیدہ اس طریقے سے ہے, نعوذ باللہ, اللہ کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں, اللہ کی شان میں یہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی کہے کہ بندہ نواز, اگر کوئی کہے غوث اعظم, اگر کوئی کہے یا حسین مدد, یا علی مدد, اگر کوئی کہے خواجہ غریب النواز, یہ سب کیا مطلب ہے؟ یہ سب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارے مشکلوں کو آسان کرنے والے ہیں. غریب النواز کا لقب ہم نے لگایا, کہا غریبوں کو نوازنے والے, اس کی خطرناکی آپ جانتے ہیں, کتنا خطرناک جملہ ہے غریبوں کو نوازنے والے, یہ نعوذ باللہ اللہ نعوذ باللہ اللہ غریبوں کی طرف نظر کرم نہیں کرتا ہے. شان میں گستاخی ہوئی کہ نہیں ہوئی, سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائی, سمجھیں. یہ توحید اگر سمجھ گئے آج کے اس درس کے حوالے سے میرے بھائیوں, زندگی سمر جائے گی. اپنے حالات کا جائزہ لو اور آج ہی سے فون کر کے منع کر دو کہ نوحہ نہیں ہوگا, مرثیہ نہیں ہوگا, تعزیہ نہیں بنے گا, تعزیے میں شرکت نہیں ہوگی, جلوس میں نہیں جایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت رسول نہیں ہے, دین نہیں ہے, میں نے پہلے بھی بتلا دیا تھا. اس لیے ہمارے لیے ایک مسلمان کے اوپر ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آج نوجوانوں کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے, ہم اپنے دین کو صحیح سمجھیں اور پھر اس صحیح دین کو اپنے ہاں عام کریں. اس کے لیے چاہے کوئی بھی قربانی ہمیں کیوں نہ دینی پڑے. یہ نہیں کہ آئے سن لیے اور سن کر کے جا کے پھر ویسے ہی کھانا کھا کے اور باہر نکلے, ڈکار لے لیا, ختم ہو گئی, جو بھی سنا وہ بھی ختم. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ جو باتیں سنیں اور اس کی تحقیق کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو باتیں صحیح ہوں اس کے اوپر عمل کریں اور اپنے ساتھیوں کو, اپنے اہل و عیال کو, سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دیں. یہ نہیں کہ آپ آ گئے سن لیا, آپ نے سمجھا ہم نے جنت خرید لی, ایسا نہیں ہے. جہاں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی سدھار کریں, وہیں ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کا بھی سدھار کریں. امر بالمعروف و نہی عن منکر, اس فریضے کو کبھی بھی ہم چھوڑیں نہ, کیونکہ یہی فریضہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ہمیں خیر امت کہا ہے.
हमें सनद दिया है, सर्टिफिकेट अता फरमाई है, किसकी? खैर उम्मत की। क्यों? फरमाया तअमुरून बिल मारूफ, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। तुम क्या करते हो? भलाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो, तब खैर उम्मत हो। ये नहीं कि सेंटर में प्रोग्राम हो और आप कहें कि नहीं चलो बैठे रहते हैं, एक सीरियल देख लेंगे, फिल्म देख लेंगे, ये नहीं। बल्कि हमारा फ़र्ज क्या बनता है? हम खुद आएं और अपने दोस्तों अकारीब को कोशिश करें, मेहनत करें उनको लाने की। क्यों? एक बंदा अगर आपकी कोशिश से आ गया, पहले तो कोशिश का तो सवाब मिलेगा ही, वो आए या ना आए, लेकिन अगर वो आ गया और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसे तौफीक दे दी, सुधर गया, वो बिदातों को छोड़ दिया, मौहिद बन गया, गैरुल्लाह से तौबा कर ली, मेरे भाइयों उसके लिए सदक़े जारिया हो जाएगा। अद्दालु अलल खैर कफाइले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला नेकी करने वाले के बराबर उसको सवाब मिलता है। समझ रहे हैं? अगर एक हमारा दोस्त हमारी मेहनत से सुधर गया, वो कितनों को सुधारेगा? और जितने भी वो लोग सुधर करके नेक अमल करेंगे, वो सारे हमारी झोली में आएगी। तो ये हमें पसंद है कि हमें ये पसंद है कि किसी को हम सेंटर से मुतनफ़िर कर दें और कहेंगे नहीं नहीं वहाँ जाओगे तो बस औलिया को गलत कहा जाता है और उनको गलत कहा जाता है और वहाँ पर सिर्फ तौहीद की बात होती है, शिर्क की बात होती है, यही सब वहाँ पर इनको मालूम है और कोई चीज़ मालूम नहीं है। मेरे भाइयों, ये बुनियादी चीज़ है। ये अगर हो जाएगी तो आप ख़ुद कहेंगे कि शेख हमें ये मसला भी बता दीजिए, आप ख़ुद आके कहेंगे कि हमें नमाज का तरीका सिखा दीजिए, आप ख़ुद हमसे कहेंगे कि हम रोज़ा कैसे रखेंगे। लेकिन जब यहीं पर गड़बड़ी है तो आपको ना नमाज से मतलब, ना रोज़े से मतलब, ना ज़कात से मतलब, ना हज से मतलब, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जा रहे हैं, सो रहे हैं, फजर की अजान हो रही है, सो रहे हैं, असर की अजान हो रही है, सो रहे हैं, जोहर की अजान हो रही है, कोई मतलब नहीं। गैर मुस्लिमों की तरह हम भी पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, हुसैन काम नहीं आएंगे, ये ताज़िया काम नहीं आएगा, जिनको हम खुद समंदर बुर्द कर देते हैं, दरिया बुर्द कर देते हैं, ये काम नहीं आएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तो मोमिन को वो दिमाग अता किया है कि हज़ार बातिल के आलिम एक मुहिद जाहिल पर क्या होता है? भारी होता है। मेरे भाइयों, इसलिए हम मुहिद बने और इन रस्म व रिवाज जो हमारे गर्द व नवाह में मौजूद हैं, आले बैत की मोहब्बत के नाम पर, हुसैन की मोहब्बत के नाम पर, मेरे भाइयों इसको जहन से निकाल दीजिए। इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वाकया रूनुमा हुआ हुआ, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हिसाब करने वाला है, जो हक पर हैं उसका हिसाब अल्लाह करेगा। जिन्होंने हज़रत हुसैन नवासे रसूल को कत्ल किया है, शहीद किया है, अल्लाह की पकड़ से वो बचे। दाऊद व ईसा बिन मरियम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से लानत भेजी गई है। किन पर? बनी इसराइल के काफिरों पर, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और हद से तजावज़ किया। और क्या फरमाया? हद से तजावज़ क्या किया? कानू ला यतनाहून अन मुनकरिन फालू, उस बुराई पर लोगों को मना नहीं करते थे जो बुराई लोग करते थे, मना नहीं करते थे। मेरे भाइयों, हम मुआशरे में देखें बुराइयां, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मुझको मना करें। अब कोई ताज़िया इस्लामी मुआशरे में नहीं होना चाहिए, कोई जुलूस इस्लामी मुआशरे में नहीं निकलना चाहिए, कोई फातिहा खानी और नजर व नियाज ये सारी चीज़ें इस्लाम में नहीं हैं। जैसे मैंने पहले ही बतला दिया था तमहीद में कि इस्लाम कामिलो मुकम्मल है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको नबी पाक, अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल दीन पर, अल्लाह के रज़ा जिसको शामिल है, अल्लाह की नेमत जिसको शामिल है, अल्लाह तबारक ताला उसी दीन पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्लाह वसल्लम ने और आपके सहाबे किराम ने रोज़ा रखी है, इसलिए नौवीं और दसवीं को रोज़ा रखेंगे। और ये तहैया करें कि जो भी आमाल हो रहे हैं हमारे माशरे में उसको हम मिटाने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं, और अपनी सुधार करेंगे। इन दिन ख़ास करके नहीं रख सकते हैं। अब जैसे मुहर्रम का रोज़ा पड़ गया, दसवीं मुहर्रम का, तो उसको रखेंगे। कहाँ पे होता है? हाँ, लिखा रहता है। उसका मतलब ये होता है, अब ख़ुद भी समझ लें कि जन्नत का दरवाज़ा जो गुज़र गया समझो जन्नत में दाखिल हो गया। अब ये बड़ी मिसाल देख लीजिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर जन्नत का दरवाज़ा होता तो कहाँ होता? मक्का में होता। हाँ, मक्का में होता। मक्का में नहीं है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वहादल बलदिल अमीन, हाँ, वहाँ पर नहीं है। काबतुल्लाह जहाँ है वहाँ पर नहीं है। अल्लाह ने ख़ुद काबतुल्लाह के दरवाज़े को जन्नत का दरवाज़ा नहीं कहा है। हमारे यहाँ बहिश्ती दरवाज़ा आपको अजमेर भी मिलेगा और पाकिस्तान में भी है, बाबा फरीदगंज पे लिखा हुआ बाकायदा बाबुल जन्ना लिखा हुआ है उसमें भी। उसमें दाखिल होने के लिए इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़, वो लोग यही समझते इसी अकीदत से आते हैं कि हम इसमें अगर दाखिल हो गए तो समझो जन्नती बन गए। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, यही तो शिर्क है, ये शिर्क है। जन्नत वहाँ पे, पाकिस्तान में जन्नत, हिंदुस्तान में जन्नत। और हिंदुस्तान में जन्नत कैसे? हमारे हिंदुओं के यहाँ भी स्वर्ग दरवाज़ा है कि नहीं? हो ओ मौली साहब, अब्दुल्ला साहब, हमारे हिंदुओं में भी है स्वर्ग द्वार है जहाँ पे लोग जाते हैं। और ये पता नहीं कहाँ पे है मुझे, वहाँ पे वो भी दाखिल होते हैं, वो समझते हैं कि ये जन्नत का दरवाज़ा है। तो सारी चीज़ें हमारे यहाँ जो हैं, चाहे पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, ये सब हिंदुओं ही से मिलती जुलती। तो बाबुल जन्नत ये शिर्क है, ये भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने क्या फरमाया है कि ये सब जन्नत उन्नत यहाँ पर नहीं है। जन्नत तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहाँ रखा है, कैसा है, ये भी इल्म गैब है, ये गैब का इल्म है, किसी को नहीं मालूम है जी। हाँ, जो नज़र अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए खुश करने के लिए, वो मानी जा सकती है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नज़र ना मानो, लेकिन अगर नज़र मान ली है तो उसको पूरा करो, समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब आप ये कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इम्तिहान की, कि हम इम्तिहान में अगर कामयाब हो गए तो हम तीन रोज़ा रखेंगे अल्लाह के लिए, ठीक है। अब हमने नज़र मानी तो अब वो हम कामयाब हों या ना हों, हमें तीन रोज़ा रखना ही है, समझ रहे, करना चाहिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नज़र ना मानो, लेकिन अगर मान लिया है तो उसको पूरा करो। इसका मालूम क्या हुआ कि नज़र मानना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी ने मान लिया तो उसको पूरा करे, ठीक है। और क्या फरमाया, इन्नमा युस्तखरजु बिही मिनल बखील, ये क्या होता है कि अल्लाह ने इसके ज़रिए से बखीलों के पैसे को निकालता है, कि बखील लोग ऐसा ही करते हैं। और ये हम लोगों का आजमाया है हमने, कि जो कभी सदका और खैरात नहीं करेंगे वो नज़र ज़्यादा मानेंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।